हेलो गाइस, मेरा नाम है, अभी आप देख रहे हैं अभिजीत गेमिंग। गाइस, इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एक नया हैक लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को सिर्फ ओपन ऑटो हेडशॉट आप लोगों को हैक देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को इस तरह से एक लोगो आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों को 100% या फिर ऑटो हेडशॉट देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ऑटोमेटिकली चेंज ओपन, मतलब आपका गन जो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, आपका आसपास जो भी बंदा रहेगा वो ऑटोमेटिकली फिनिश होता रहेगा। तो बहुत बढ़िया हैक होने वाला है आप सभी भाइयों के लिए। जो भाइयों के इस हैक को यूज़ करना चाहते हो, तो मैं पहले बताता हूँ, मेन आईडी पे मत यूज़ करना, गेस्ट अकाउंट वगैरह में यूज़ करना। इससे आप लोग 100% कोई भी मैचिंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप लोग यूज़ कर सकते हो। गेस्ट अकाउंट में होगा, 2 दिन के अंदर आपका आईडी जो बैन हो जाएगा, इसलिए आप लोग मेन आईडी पे मत खेलने का, मैं सबसे पहले बता दिया हूँ। और जो टेलीग्राम पे जरूर जाना, टेलीग्राम पे वहाँ पर मैं बहुत सारी हैक वगैरह देता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप लोग आराम से मेरे से हैक ले सकते हो। गाइस, तो इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से हैक को डाउनलोड करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ पासवर्ड मिलेगा, सारी चीज़ इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। होगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई लोग नहीं हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे आराम से देखना। सबसे पहले जैसे गेम के अंदर आप लोग एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को ऊपर के जितने सारी है सारी को ऑन कर देना। जैसे एम्बोट हो गया, जैसे इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, ये सारी को ऑन कर देना और कुछ को छेड़ना मत। हो गया तो जैसे ऑन हो गया, ऑन होने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। खोलने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों को ऑन कर देना, क्यों ना आप लोगों को बंदे का लोकेशन दिख जाएगा। हो गए तो ये सब कुछ ऑन होने के बाद, मैं जैसे जैसे ऑन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऑन होने के बाद और कुछ नहीं करना आप लोगों को। गेम के अंदर जाने के बाद इसको ऑन करना है। हो गए तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गेम स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ लूट लेता हूँ। होगा तो यहाँ पर गन वगैरह कुछ लूट लेता हूँ। तो यहाँ पर लूटने के बाद यहाँ पर जो भी मेरे आसपास बंदा रहेगा, सारी बंदा यहाँ पर फिनिश होता रहेगा। देख सकते हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा 3 किल हो गया। तो इस तरह से आप लोग हैक को यूज़ कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। अभी जो मैं जो कुछ यूज़ मतलब यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ, जैसे ऊपर की सारी चीज़ें मैं ऑन कर दिया, जो ऑन कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। ऑन करने के बाद थोड़ा इधर आ गया, इधर आने के बाद मेरे पास 2 गन हो गया। तो गन होने के बाद मैंने जो ऑटो एम मतलब एम बोट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लगातार यहाँ पर बंदा जो फिनिश हो रहा है, जितने भी आसपास बंदा आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी बंदा जो आराम से यहाँ पर मार सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत बढ़िया आप लोगों को ओपी हेडशॉट हैक होने वाले हो, 100% वर्क करेगा। और जो भाई लोग यूज़ करना चाहते हो, गेस्ट अकाउंट में यूज़ करना, मेन अकाउंट में नहीं यूज़ करना, क्यों ना ये बैन कर देगा। होगा तो बस जैसे मैं यहाँ पर आसपास जितने भी बंदा था सब बंदा यहाँ पर, जैसे लोकेशन भी यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप लोग लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको और 8 बंदे अलाइव है, तो 8 बंदे को मार के हम लोग को और 2 बंदे और 1 बंदे आराम से हम लोग को भैया निकल गए। अभी आते हैं डाउनलोड प्रोसेस में। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा जाएगा फ्री फायर ऑटो हेडशॉट बोल के, इस तरह से कुछ एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे यस, आप लोग को ध्यान से देखना है डाउनलोड प्रोसेस, जैसे क्लिक करोगे इस तरह से आप लोग को ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड आप लोग को देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो सेकंड को थोड़ा वेट कर लेना। वेट करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सेकंड जो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया था, तो सेकंड को हम लोग को ख़त्म होने देते। होने के बाद आप लोग को आगे का चीज़ यहाँ पर आराम से दिखाते हैं। जैसे ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आप लोग को जैसे 1 सेकंड बचा है, यहाँ पर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। मैं जैसे दिखा रहा हूँ इस तरह से इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप लोग को एक कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा। जैसे नीचे की तरफ हम लोग स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से आप लोग को भी क्लिक करना है, इसमें क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद आगे का चीज़ भी आप लोगों को देखना है, तो इस तरह से फिर से आप लोगों को एक टाइमर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को बार बार एक टाइमर 4-5 बार करना होगा। इस तरह से करने के बाद आपका जो डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। तो जैसे फिर से हम लोग वेट करते हैं, वेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग को फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ, फिर से एक पेज और एक पेज आ गया लोडिंग होके। तो यहाँ पर भी हम लोग को कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग फिर से कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, फिर से एक ही चीज़ आएगा, तो उसमें हम लोग फिर से क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, लास्ट तक देखना तो भी समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यू का बटन हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन फिर से दिखेगा, जिसमें इसे क्लिक करते
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो अभी जो जीपी लिंक है यहाँ पर मेन लिंक आ गया, अभी से आप लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ पर गेट लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे मैं गेट लिंक पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम लोग को अभी भी फाइल मतलब जो एपीके है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग एपीके ऑटोमेटिकली डाउनलोड यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोग एपीके को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोग देखना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड के ऑप्शन में जैसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से डाउनलोड में क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड के जाता हूँ। डाउनलोड होने के बाद अभी जो मैं जो इंस्टॉल करूँगा, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अभी जाके हम लोग गेम को ओपन करते हैं और क्या क्या चीज़ मांगता है उसको हम लोग को अलाउ करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल के होम स्क्रीन में आ जाने का इसको ओपन करना है। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर करना है, वो चीज़ आप लोग को देखना है ध्यान से। तो जैसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो आप लोग को OBB फाइल एक्स्ट्रा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर जाके, नहीं तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। करने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, ये पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पर दे के लॉगिन हो जाना है, नहीं तो आप लोग को लॉगिन नहीं होगा, तो पासवर्ड को ध्यान से देना है। तो जैसे यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, तो इस तरह से आपके स्क्रीन के सामने एक आइकन आ जाएगा जहाँ पर आप लोग को हैक अलाउ को मतलब ऑन करने के लिए सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। स्क्रीन शॉट होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ओपन होने देते, ओपन